तो इससे पिछले वीडियो में हम क्या किए थे जो कि हमारा ये सीकेवी पॉइंट हमारा शॉर्ट था, तो शॉर्ट होने के कारण से हमारा जो कि डीसी टू डीसी आईसी हमारा वोल्टेज नहीं बना पा रहा था, जो कि वीजीएस वोल्टेज हो गया, एबीडीडी वोल्टेज हो गया, तो वोल्टेज नहीं बना रहा था, सिर्फ हमारा इसमें 3.3 वोल्टेज और 1.8 था। तो हमने क्या किए थे उस वीडियो ने, जो कि हमारा सीकेवी का पॉइंट हो गया ये राइट वाला को काटे, तो उस टाइम पर नहीं हुआ था, तो फिर हम लेफ्ट वाला जो कि हमारा पिन नंबर 2 का जो कि ट्रैक है उसको काटे, तो हमारा जो कि सीकेवी है जो कि शॉर्टिंग था तो हट गया था, जो कि हमारा ग्राफिक्स भी आ गया था। वो भी क्या करते कि आपको एक बार चला कर दिखाते हैं, जो कि हमारा ग्राफिक्स है वो ग्राफिक्स अच्छा नहीं है, जो कि वो भी आपको क्या करते हैं तो चला कर आपको एक बार दिखाते हैं, और फिर से क्या करेंगे कि हम जो कि हमारा आ गया है, जो कि ग्राफिक्स है ये अच्छा नहीं है, जो कि लाइनिंग लाइनिंग से आ रहा है, जो कि आप भी देख सकते हैं हमारा लाइनिंग सा ग्राफिक्स है। तो क्या करेंगे कि इसको हम रिपेयर कर आज देखेंगे, तो इसको चलते हैं और रिपेयर कर आपको दिखाते कि इसको आप कैसे रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कि हमारा सबसे पहले इसको लाइन से आउट कर दिए, जो कि हमारा सीकेवी का पॉइंट को कट किए हुए है, जो कि पहले राइट वाला साइड को जो कि सीकेवी पॉइंट को कट किए हुए है पिन नंबर 2 को। तो क्या करेंगे कि यह हमारा इस बार का जो कि पिन नंबर 2 का शॉर्टिंग नहीं है, तो क्या करेंगे कि इसको हम सबसे पहले जम्पर कर देंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे कि हम पिक्चर को देखेंगे, पिक्चर ओके होने पर हम इतना ही पर छोड़ देंगे, और भी पिक्चर नहीं ओके होने पर क्या करेंगे कि हम जो कि सीकेवी पॉइंट है इसको क्या करेंगे कि हम कट कर देखेंगे, ये लेफ्ट वाला को सबसे पहले कट कर देखेंगे। तो क्या करते तो सबसे पहले जो कि ये हमारा पिन नंबर 2 है सीकेवी का पॉइंट है, इसको क्या करते जम्पर कर देखते हैं। तो मैंने जो कि ये सीकेवी का जो कि पिन नंबर 2 का जो कि ट्रैक कट किए हुए थे इसको कनेक्ट कर लिया है, और जो कि इस पार का जो कि सीकेवी का जो कि पॉइंट है इसको कटे रहने दिए हुए है, जो कि इसको कनेक्ट करते हैं हमारा फिर से क्या हो जाएगा कि शॉर्टिंग हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा कि शॉर्टिंग पर चला जाएगा, इसलिए मैंने इस पार को कट छोड़ दिए हुए है, और इसको क्या किया है तो कनेक्ट कर दिए हुए है। और क्या करेंगे कि एक बार टीवी को ऑन कर देखते हैं कि हमारा ये पिक्चर जो कि है इसमें जो कि पिक्चर का क्वालिटी है वो ओके हुआ कि नहीं हुआ। तो लाइन पे लगा दिए और बैक लाइट भी आ गया हमारा, और क्या करते कि आपको इस पर पलटा कर दिखाते हैं। तो क्या करते आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं इसको, जो कि इसमें हमारा टीवी लिख कर आ गया है, जो कि आप भी देख सकते हैं हमारा टीवी एकदम ओके हो गया है, जो कि नो सिग्नल है, और जो कि इसमें पिक्चर भी है जो कि पिक्चर का क्वालिटी है अभी एकदम ओके हो गया है, जो कि इससे पहले हमारा क्या हो रहा था तो लाइनिंग से आ रहा था, जो कि अभी हम इसको जो कि कनेक्ट कर दिए, जो कि राइट वाला जो कि हमारा हो जाता है सीके भी उसको कट कर हटाए, तो हमारा टीवी जो कि हम राइट वाला जो कि हमारा सीके भी का जो कि पॉइंट है उसको फिर से कनेक्ट कर देने पर हमारा एकदम ओके हो गया, जो कि हमारा इसमें खराबी क्या था तो जो कि हमारा लेफ्ट वाला सीके भी पॉइंट था उसको कट कर देने पर हमारा टीवी एकदम ओके हो जाता है। तो ऐसे कर क्या करेंगे कि हम ऐसे फॉल्ट को ऐसे रिपेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि और भी कुछ हम नया सीखेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स, धन्यवाद।